गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग झांसी की रानी पढ़ रहे हैं। शीर्षक झांसी की रानी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सभी लोगों ने सुना है ना, और इसे कविता के कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लक्ष्मीबाई के जीवन के संपूर्ण जो था जीवन, पूरी जीवन की घटना का उन्होंने इसमें वर्णन किया है, और इसमें रानी की शौर्य गाथा का भी वर्णन किया है कि लक्ष्मीबाई किस प्रकार अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाती है ना। जब अपना देश गुलाम था, अंग्रेजों से लड़ते लड़ते लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई, उसी चीज को पढ़ना है। आप लोग अपने अपने सामने किताब में ध्यान देंगे और देखेंगे, है ना। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की मत सबने पहचानी थी, दूर तिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। जब अपना अंग्रेज है ना, तो भ्रिकुटों का राजवंश जो था, है ना, राजवंश जो था, है ना, उसका क्षत्रिय का जो वंशज था, राजा का वो भौ ताने हुए था, और लग रहा था कि इस भारत जो है बूढ़ हो गया है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई नहीं है जो इसको आज़ादी दिलवाए इस भारत माता को। तो लक्ष्मीबाई ने इसको जब युवा, तब बूढ़ा भा लग रहा था भारत, तो फिर से नई जवानी उसमें आ गई और आज़ादी की सब कोई कीमत पहचानने लगे, जो आज़ादी गुम हो गई थी, और अंग्रेजों को भगाने के लिए सभी लोगों ने अपने मन में ठान ली और लड़ाई अंग्रेजों से शुरू कर दी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, 57 में जब लड़ाई हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, है ना, तो उसमें 1957 में तो वो जो है तलवार चमचम चमक रही थी, लेकिन वो पुरानी थी। अब बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, जो वहाँ जो झांसी बुंदेल है उस वहाँ के लोगों के से हम लोगों ने जो कहानी सुनते हैं, वो पुरुष के गुणों, है ना, खूब लड़ी मर्दानी, यानी पुरुष के, है ना, गुणों से युक्त वो कौन थी, तो वो झांसी की रानी थी, वो लड़ती थी, है ना। कानपुर के नाना की मुंगोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, है ना। कानपुर की नाना की वो एक लौती, है ना, बहन थी, है ना, और लक्ष्मीबाई नाम था उसका, वो अपने पिता की संतान अकेली थी जो अंग्रेजों से लड़ता था। वो नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल के पान कटारी उसकी वही सहेली थी, है ना। रानी लक्ष्मीबाई जब छोटी थी, है ना, तो अपने नाना के साथ खेलती थी, नाना के साथ पढ़ती थी, और वहीं पे वो तलवार चलाना, भाला चलाना, बर्छी चलाना सब वहीं सीखी हुई थी, और उसी से वो बड़ी पली हुई थी, और उसका सहेली वहीं था। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, यानी वीर शिवाजी की गाथा लक्ष्मीबाई को पूरी तरह से याद थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। पुरुष के गुणों से युक्त जिस औरत के बारे में, जिस जवाज के बारे में हम लोगों ने कहानी को सुना था, वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह शंभीता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बार, नकली जूत बीहू की रचना और खेलना खूब सीखा, है ना। लक्ष्मी का रूप थी वो, दुर्गा की रूप थी वो, स्वयं वीर की अवतार थी, है ना, और मराठे लोग जब उसको देखते थे तो आनंदित हो जाते थे, उनकी तलवारों को बार को देख करके आनंद हो जाते थे, खुशी हो जाते थे, है ना। और नकली युद्ध होता था, जैसे हम लोग आपस में खेलते हैं तो करते हैं ना खेल में, तो उसी प्रकार से लक्ष्मीबाई भी नकली युद्ध करती थी, बीहू की रचना करती थी, और शिकार खेलने का, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्या भवानी थी, बुंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। उनके बारे में जो है जितना भी सुना गया, वो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, है ना। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में,
वीरता के साथ, उनके वीरता के नाम पर जो झांसी में उनकी सगाई हुई, ब्याह हुआ और वो रानी बनकर लक्ष्मीबाई झांसी में राजमहल से बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुवर्ण बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई झांसी में, वह बुंदेल शहर से वो झांसी में चली गई है ना, और वहाँ वो रानी बन करके महारानी बन करके वहाँ वहाँ चली गई। चित्रा ने अर्जुन को पाया, सिंह से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बेलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित वासो भाग मुदित महलों में उज्वाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई है ना। उदित हुआ सौभाग्य, उदय हुआ सौभाग्य जो है ना, और मुदित महलों में उजियाली आई यानी प्रसन्न महल, प्रसन्नता महल में आ गई। और लेकिन जब आदमी का काल आ जाता है, समय नज़दीक आ जाता है कोई भी घटना घटित होने के लिए, तो वो उसी रास्ते पे आदमी चल देता है। तीर चलाने वाले कर्म में उसे चुड़िया कब भाई है ना, वो तो तीर चलाने वाली थी तो उसके हाथ में, कर मतलब हाथ होता है, तो उसके हाथ में चूड़ी कहाँ से आएगा, वो तो चूड़ी कहाँ उसको, रानी विधवा हुई है दीदी को जो नहीं आई है ना, रानी विधवा हो जाती है लक्ष्मीबाई है ना, निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोले के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो है ना, शोक में डूबी हुई वो रानी है ना, निसंतान थी और राजा जी मर जाते हैं है ना, और उसी पे वो जो है अंग्रेजों के, उसके बाद से झांसी की रानी कमान संभाल लेती हैं। और बुझा दी झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, और राज हड़प करने को उसने यह अच्छा अवसर पाया। जब राजा की मृत्यु हो जाती है तो झांसी पर कब्जा करने के लिए, अब तो झांसी में कोई लड़ने वाला नहीं है, तो डलहौजी जो है उस झांसी राज्य को हड़पना चाहता है ना, और वो कहता है कि भाई ये अच्छा मौका, वो फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, और किला पर भेज करके, दुर्ग पर भेज करके अंग्रेज जो है डलहौजी जो है अपना तो झंडा फहरा देता है, और ला वारिस का वारिस बनकर बिटराज झांसी आया, अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी है ना, आंखों में आंसू लिए हुए रानी लक्ष्मीबाई देखती है ना कि ये झांसी तो अपना है फिर भी ये पराई हो गई है ना। बुंदेले हर बोले के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर पर भी विषाद, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विषाद, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था ब्रज निपात। यानी राजधानी दिल्ली को छीन लिया डलहौजी ने, लखनऊ पर भी बातें बातें अपने पेशवा बाजीराव को कैद कर लिया, फिर नागपुर में भी उसने कर लिया, उदयपुर में कर लिया, पंजाब में कर लिया है ना, सभी जगह जो है अंग्रेज जो है अपना डलहौजी का जो है अपना अपना क्या कर लिया, अधिकार कायम कर लिया है ना, और बंगाल मद्रास भी वो उसी में आता है, उसमें भी उन्होंने कर लिया। और बुंदेले वालों ने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। गुणों से युक्त, पुरुषों के गुणों से युक्त वो जो स्त्री लड़ने वाली थी, जो वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इसकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में है ना, लेफ्टिनेंट बाकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली जुद हुआ दंड आसमानों में, मतलब इतनी युद्ध हुआ कि झांसी के मैदान में है ना, पंजाब हर बोलो तो उधर जो हुआ था उसको छोड़ करके अब आए कहानी आते हैं झांसी में के मैदान में, जहाँ पर रानी जो थी वो मर्द यानी गुणों से युक्त यानी पुरुषों के गुणों से युक्त बन करके और तलवार लेकर के बैठ है ना युद्ध के मैदान में खड़ी थी, लड़ने के लिए लड़ रही थी है ना, खूब लेफ्टिनेंट कर्नल जो था उससे खूब युद्ध हुआ है ना, जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। जख्मी हो जाता है वाकर और वहाँ से भाग जाता है, वो हैरान हो जाता है कि भाई ये कैसे हो गया, ये कौन ऐसा झांसी में आ गया कि जो इतना युद्ध करने वाला हो गया है ना। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी काल की आई, कर 100 मील निरंतर पार, थोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सीधा। घोड़ा जो है जब अंग्रेजों से चारों तरफ गिर गई तो वो भागता है घोड़ा,
और वो जा करके एक नाला में फंस जाता है और फंसने के बाद से वो गिर जाता है और गिर करके वो मर जाता है। जब जमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हा और जमुना के किनारे जो है अंग्रेज जो है रानी से हार जाते हैं और विजयी रानी आगे चल किया ग्वालियर पर अधिकार और वहाँ से वो चलती है और जा करके वो ग्वालियर पर अधिकार कर लेती है। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की सेना फिर घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख उसने मुंह की खाई थी, खाना और मुद्रा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। विजय तो मिल गई, अंग्रेज की सेना घिर गई है ना, वहाँ से भाग गई, जनरल स्मिथ जो था वो भी हार गया और वहाँ मंदुरा सखिया सब जो है काना कानपुर के है ना और सारे सखिया जो है इनके साथ रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध क्षेत्र में आकर के बहुत सारे तहलका को मचाए हुए थे। पर पीछे हूँ रोज आ गया हाय गिरी, अब रानी थी बुंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब अब चाल से जो है ना हूँ रोज अंग्रेज एक था वो आया और पीछे से जो है रानी को घेर लेता है, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया। रानी चलती है और मार काट करते हुए आगे बढ़ते जा रही है, फिर भी पीछे मुड़ करके नहीं देखती है और आगे बढ़ती जाती है। तब तक एक नाला आता है, उस नाला को पार करना है, वही विकट समस्या है ना। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, घोड़ा तो अब तो नया था, एक घोड़ा तो खत्म हो गया, दूसरे घोड़े को सवार की, नया घोड़ा था इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु पहुतेरे होने लगे बार पर बार। रानी एक थी और दुश्मन जो थे बहुत सारे आ गए और चारों तरफ से घेर लिए, युद्ध पे युद्ध हो रहा है। घायल होकर गिरी सिंह नी उसे बिरगति पानी थी, बुंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कांदी, खूब लड़ी मर्दानी और तो झांसी वाली रानी थी। जब घोड़े नाला पार नहीं कर पाता वहीं फंस जाती है तो रानी वहाँ घिर जाती है दुश्मनों से और वो उनको तीर लगता है, गोली लगती है, तलवार लगती है, वो घायल हो जाती है, घायल होकर के वहीं गिर जाती है। रानी गई सिद्धार चिताब उसकी दीप सवारी थी, मिल तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी। रानी अब जो है वो चिता में समा गई, चिता में अब जाने के सिवा मरने के सिवा कोई उसके पास कोई चारा नहीं था रानी के पास है ना। और वो आग से आग मिल गई, आग से आग मिलने की उसी की वो अधिकारी थी है ना, और उनका उम्र जो था रानी लक्ष्मीबाई का उम्र 23 वर्ष का था है ना, और वो भगवान की अवतारी थी है ना, और वो आई थी झांसी वाले को जीवित करने, झांसी वाले को बचाने, और लेकिन वो स्वतंत्रता की नारी बन गई थी। दिख गई पथ यानी रास्ता दिख गया, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, वो हमको बहुत कुछ सिखा करके गई, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाती है ना, और बहुत जो है वो पुरुष के गुणों से युक्त है। इस कविता को आप लोग पढ़ लेंगे, याद करेंगे, जो समझ में नहीं आया हो उसको आप लोग पूछ लेंगे, और इस कठिन शब्द को आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। धन्यवाद, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेंगे।